Hello everyone, welcome to Social Friend. सी लैंग्वेज का ये पार्ट थर्ड है. आज मैं ऑपरेटर को कवर करूँगा. जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ऑपरेटर क्या होता है, वापस से देख लो इसे. ये मैंने लिख दिया 2 + 6. तो ये जो बीच का जो पार्ट होता है ना, जो प्लस माइनस होता है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटर. और ये जो होता है ना 2 या 6 है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड. यानी इन दोनों को चलाने के लिए एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे इसका डेफिनेशन है एक नोट्स के अकॉर्डिंग, मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटर वे संकेत होते हैं, यानी सिंबल होते हैं, जो कि कंप्यूटर को मैथमेटिकल लॉजिकल गणनाएँ करने के लिए कमांड देते हैं. ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि इनमें वो कमांड होते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिकल कोई भी कैलकुलेशन करना हो उनको एक कमांड देते हैं. जैसे यहाँ पे एक बोल रहा है 2 + 6, बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस करना है. ठीक है, 2 - लिख दिया जाए 6, तो क्या बोलेगा ये कि इसमें माइनस करना है. ठीक है ना, इसका यही मतलब है. अब यहाँ देख लो कि अर्थमेटिक पहला ऑपरेटर है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर. इसका मतलब क्या है कि इन ऑपरेटर की सहायता से साधारण गणनाएँ जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड. मतलब क्या, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और डिवाइड मतलब वो अपने भाग दे सकते हो आप. ठीक है, इत्यादि कार्य करने के लिए हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. और इनमें भी हम दो टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे बाइनरी होता है, एक यूनरी होता है. बाइनरी यानी दो नंबर, और यूनरी का अर्थ यह हो जाएगा 3 डिजिट की बात हम करेंगे. जैसे यहाँ पे ऑपरेटर देख सकते हो कि प्लस यानी लिखा है कि एडिशन इसका मतलब होता है, और ये इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, ये है रिमाइंडर. यानी सी लैंग्वेज में ये जो परसेंटेज का चिन्ह आपको दिखता है इसको बोला जाता है रिमाइंडर, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्लैश ऐसा, इसको बोलते हैं डिवीजन. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पर मैथमेटिकल हो चुका ऑपरेटर. अब देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. देखो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है उसको समझो अच्छे से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए. ठीक है, मैं दिखाता हूँ. जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसको कहते हैं कि कभी दो संख्याओं के बीच संबंध अगर हमें जांचना हो तो हम रिलेशनल कमांड का यूज़ करते हैं. कहते हैं ना कि वो बंदा बड़ा है, वो छोटा है, वो उससे बड़ा है, वो उसके बराबर है. तो अगर इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो रिलेशन की बात करते हैं. तो ये देखो ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन. इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, इज लेस देन. ये क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो बोलते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, और इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू बोलते हैं इसको हम. और इसका अर्थ ये होता है इज, यानी इसको हम बोलते हैं हम, ये नॉट का अर्थ होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट. ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट का सिंबल. तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट इक्वल टू. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट. इनका प्रयोग कंडीशनल स्टेटमेंट तथा लूपिंग स्टेटमेंट के माध्यम से होता है, क्योंकि इनका यूज़ हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाएंगे. मैं इस पर प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा. ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पे एक प्रोग्राम है. अभी मैंने प्रोग्राम के बारे में आपको डिस्कस नहीं किया है, बताया भी नहीं कैसे प्रोग्राम क्या होता है, कि लाइब्रेरी क्या होता है, इंक्लूड स्टूडियो क्या होता है. ठीक है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा ये कैसे पूरा यूज़ होता है ना. ओके, तो फिलहाल एक प्रोग्राम देख लो आप. यहाँ कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है, इनको मैं प्रोग्राम का अलग सेशन दिखाऊंगा. अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर. देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है वो समझो. लॉजिकल ऑपरेटर उसे कहते हैं जहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करें, और का इस्तेमाल करें, और या का इस्तेमाल कर लें. ठीक है ना, एंड और नॉट कहते हैं इसको हम. तो कहते हैं कि ना तार्किकल ऑपरेटर का प्रयोग, यानी लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग एक से अधिक कंडीशन को जांचना हो यानी चेक करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. जिससे क्या है, एंड यानी ये भी सही और ये भी सही, और अथवा मतलब ये सही और ये नहीं सही, और नॉट मतलब अपोजिट वर्क करता है. अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू का यूज़ करेगा. इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है. मैं इन प्रोग्राम के बारे में आपको अलग से सेपरेट डिस्कस करूँगा कि कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, और इन्हें इसको हम प्री प्रोसेसर कैसे यूज़ करते हैं, हैश का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. फिलहाल ये लॉजिकल ऑपरेटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का अर्थ क्या होता है उसको समझो अच्छे से आप.
असाइनमेंट ऑपरेटर उसे कहते हैं, लिखा है यहाँ पर इनका प्रयोग किसी वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए करते हैं। तो यहाँ लिखा है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन या वैल्यू, ठीक है, तो हम इनका भी यूज़ करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि हमने लिख दिया एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दिया एक्स प्लस 5, इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम x में पहले वैल्यू दे दें, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया पहले से कि यहाँ दे दिया मैंने x इज इक्वल टू 10, अगर हमने ये यहाँ से पहले दे दिया है x इज इक्वल टू 10, तो यानी 10 के बराबर है x, और फिर हमने दे दिया x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से हम असाइनमेंट यूज़ करते हैं, यानी जो इधर की वैल्यू है x में जुड़ जाती है, इसको कहते हैं असाइनमेंट। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझने का बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, एक में वैल्यू इंक्रीज होती है, एक में डिक्रीज होती है। देखो यहाँ लिखा है सी प्रोग्राम में दो महत्वपूर्ण ऑपरेटर हैं, ये प्लस प्लस तथा माइनस माइनस, दो बार दिख रहा है आपको, वो किसी वेरिएबल के मान को क्रमशः एक जोड़ने तथा घटाने, यानी दिखाना, जोड़ना और घटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो x के आगे जो दो प्लस दिखते हैं आपको, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, और जो x के जो पीछे दो प्लस आपको दिख रहे हैं वाले, इनको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी जो आगे होगा वो उसको पोस्ट बोलेंगे और जो पीछे होगा उसको प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना होगा। इंक्रीज यानी बढ़ना, अगर आगे लगाए तो पोस्ट, पीछे लगाए तो प्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आगे होता है ना और ग्रेजुएशन नीचे होता है, तो आप इस तरीके से भी समझ लेना अच्छे से, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ऐसे समझो कि पोस्ट आगे होता है ना। इसके बाद लिखा है यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी क्या, डिक्रीमेंट मतलब घटने की बात हो रही है, एक्स माइनस माइनस जो आगे होगा और माइनस माइनस एक्स, यानी प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर लिखा है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है उसको समझो। कंडीशनल ऑपरेटर लिखा है यहाँ पर, इस ऑपरेटर का यूज़ एक कंडीशन के ट्रू अथवा फॉल्स होने की जांच करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई कंडीशन दे दिया जाए, उसमें एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू दे दिया जाए कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, यानी मैक्सिमम मिनिमम नंबर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा, आगे मैं प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, ओके।